सो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और हाई पिक्सल की वीडियो में। सो गाइज, आप लोगों को याद होगा हमने पिछली वीडियो में अपना कोल मंगलू बनाया था, जो कि हमारे जस्ट यहाँ पर हमारे सामने ही है अपना कोल मंगलू। एंड साथ साथ हम लोगों ने सीखा था कि लाइक हाई पिक्सल भाई कोई नॉर्मल हाई पिक्सल नहीं है, इसमें बहुत कुछ ग्राइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे कि लाइक आप लोगों को पता था, हमने कलेक्शंस में जाकर माइनिंग स्किल्स में जाकर अपना जो एन्चांटेड वाला है इसको ओपन कर लिया था। एंड नाउ आवर प्रोग्रेस इज नाउ हेयर, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत ज़्यादा ग्राइंड करा है। देन अगर दूसरी चीज़ बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को एक और चीज पता चला है कि गाइस हाई पिक्सल में मतलब मिनियन जो है वो तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को रेडस्टोन मिनियन, अगर आप लोग रेडस्टोन खोलते हो तो उसमें आप लोगों को बहुत ही तगड़ा आइटम मिलने वाला है। यस गाइस, और बहुत सारी चीजें हैं। लाइक मैं कल ऑफलाइन ग्राइंड कर रहा था तो मेरे को इन आंटी ने बोला है कि लाइक तुम यार थोड़ा सा अच्छा ग्राइंड करके लाओ, मतलब रेडस्टोन माइन करके लाओ, तब जाकर तुम्हें ये रेसिपी अनलॉक होगी। मतलब यार रेडस्टोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे को साथ साथ एक और चीज पता चली है कि गाइस कि जो हमारी मतलब मिनियंस, इन सबसे ज़्यादा एक चीज़ है कि लाइक मेरे को अपना अनलॉक करना पड़ेगा, ये जितना भी लेवल दिख रहा है इसको लेवल 7 करना पड़ेगा। गाइस देख सकते हो यहाँ पर 6 है, एंड यहाँ पर ये भी है, ये सब मेरे को लेवल 7 करना पड़ेगा। एंड वाई आई सी मतलब लेवल 7 क्यों करना पड़ेगा, इसका भी एक रीज़न है। सो आप लोगों को पता है यहाँ पर एक बाजार है, लाइक मतलब बाजार में भी तुम सेल कर सकते हो आइटम। एंड बाजार है तो बाजार में आप लोग आइटम सेल कर सकते हो एंड वहाँ से खरीद सकते हो बहुत सस्ते में, और कभी कभी बहुत ज़्यादा सस्ते मतलब महंगे में बेच भी सकते हो। तो यब तो बाजार आइटम के लिए मेरे को लेवल 7 करना पड़ेगा। तो यब तो ये सब आज वाली इसी वाली वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो माइनिंग का जो स्टोरेज है, लाइक ये मिनियंस है, इन सभी को कलेक्ट कर लेता हूँ मैं सिंपल इजी पीजी। एंड इन सबको कलेक्ट करने के साथ साथ मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ गाइस एक और चीज़ जो मेरे को पूछना था आप लोगों से। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अभी 2023 है और हमारा पहला गोल है 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। अगर आप लोग अनसब्सक्राइब हो तो अभी जाकर सब्सक्राइब करो, इसमें सिर्फ 1 सेकंड लगेगा और आपकी मेहनत से देखते हैं हम कितनी जल्दी से ये वाला गोल कंप्लीट कर पाते हैं। हाँ गाइस, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे लाइक जैसे ही मैं हब में आता हूँ तो यहाँ पर मेरे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे एक अंकल है। यहाँ पर ये अंकल आंटी कैसे बदल गए भाई पता नहीं मुझे, बट ये बाजार का। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कहता है यू नीड टू स्काई ब्लॉक लेवल एक्सेस टू फीचर, मतलब भाई इसमें ये स्काई ब्लॉक लेवल मांग रहा है। एंड मेरा स्काई ब्लॉक अगर बात करूँ तो लाइक यहाँ पर 4 दिखा रहा है और मुझे नहीं पता वो 4 कौन सा बता रहा। तो मेरे को जहाँ तक यकीन आ रहा है, मेरे को मतलब जहाँ तक मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली स्किल्स कह रही है कि मेरा जो ये वाला लेवल होना चाहिए सारा का सारा मतलब लेवल 7 होना चाहिए, मेरा दिमाग ये कह रहा है। ठीक है, तो बाकी तो आप लोग मेरे को बता देना कि मतलब भाई डीएन भाई तुम गलत सोच रहे हो या नहीं, बट ये स्काई ब्लॉक लेवल मेरे को लग रहा है यही कह रहा है कि हर चीज़ में मेरा जो लेवल होना चाहिए वो सारा 7 होना चाहिए, मेरा दिमाग यही कह रहा है। तो यब मैं यही करूँगा। बाकी बात करें तो लाइक यहाँ पर मेरे पे कुछ कचरा वाला सामान है वो अपनी आंटी को भेज देते हैं। एंड ये सारे के सारे ऐसे क्यों दिख रहे हैं? आई थिंक सो आई नीड टू रीस्टार्ट माई गेम, ये बहुत ज़्यादा ग्लिची दिख रहे हैं। तो यार ओके, सो अब मेरे को ये सब बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हैं। तो चलो यार अपना जो आज का काम है वो स्टार्ट करा जाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप लोगों को पता है पिछली बार मैं क्या कर रहा था, मतलब हर बार मतलब अपने मिनियन को मैं बता देता हूँ, लाइक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सो हर बार मैं मिनियन को उठाकर ये जो रेसिपी मेरे को शो कर रहा था और तभी मैं अपना कोल मिनियन को अपग्रेड कर पा रहा था। तो मतलब लाइक मैं ये वाली हरकतें कर रहा था बहुत बार, एंड मतलब लगातार ही कर रहा था, बहुत बार की तो बात ही छोड़ो। सो मेरे को पता चला कि लाइक अगर तुम्हारे पास वो सारा का सारा आइटम है, मतलब जितना मिनियंस को अपग्रेड करने के लिए आइटम है तुम्हारे पास, तो तुम उसको डायरेक्टली अपग्रेड कर सकते हो इसको क्लिक करके, क्विक अपग्रेड मिनियन को, मतलब यार मंगलू बोल सकता हूँ मैं अपने को। सो यहाँ पर देख सकते हो। एंड उसी के बाद मेरे को पता चलता है कि भाई यहाँ पर हमें एक और चीज़ मिल जाए, मतलब लाइक यहाँ पर बोलता है डेट इट्स न्यू वन क्राफ्ट 11 मोर मिनियन टू अनलॉक 8, मतलब लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब लाइक मेरे पे 6 मिनियन है। एंड हाँ, अगर आप लोगों को यह सोच रहे हो भाई ये मतलब मेरे पास स्नो मंगलू कहाँ से आ गया, सो मेरे को यहाँ पर एमसीपी गेमर वाईटी ने मेरे को यार गिफ्ट करा था ये सारे के सारे, मतलब ये मैं दिखा देता हूँ, ये आप सारे कैसे बोल रहे होंगे। हाँ तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, लाइक 1 एंड यहाँ पर 2 एंड 3 यहाँ पर ये मंगलू मेरे को गिफ्ट करे, एंड ये 4th, 4th मैंने वो लगा दिया। एंड साथ साथ मेरे को ये भी गिफ्ट किया है वो, जिसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, उसने बोला था अगर तुम इसको क्लिक करते हो तो इसमें से भी मंगलू निकलेगा। लाइक यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया मैंने, एंड ब्रो हाउ टू सपोज आई डोंट नो, मतलब हाउ टू सपोज दिस रियली शिराना है, मुझे नहीं पता ये कैसे यूज करते हैं, नेवर माइंड। ओके, उसने बोला था, बट यार कोई नहीं, मेरा स्कैम हो गया यहाँ पर। तो इन सभी को मैं लाइक इसको जल्दी से ये भी कर देता हूँ, ब्लॉक्स बना देता हूँ।
पर अपना ये स्नो मंगलू है इसको भी अपग्रेड कर देते हैं। आई थिंक सो ये हो जाएगा। ओ नो, 66 मोर इनफ ब्लॉक्स, तो आई डोंट हैव अ 66 इनफ ब्लॉक्स, सो ये भी नहीं होगा। एंड आई थिंक सो ये जितने भी मैंने ये बनाए हैं ये तो हो जाए कम से कम भाई, ये तो हो जाना चाहिए। मतलब इतने मुश्किलें से मैंने बनाया है, आई थिंक सो भाई, मतलब पिछली वीडियो में तो हो नहीं पाया था, इसमें तो हो जाएगा ब्रो। I hate that एंड हमारा ये क्विक अपग्रेड, इसके लिए भी 7 मोर एनचांटेड चाहिए। आई थिंक सो हमारा ये वाला तो हो ही जाएगा फिर तो, आई थिंक सो। एंड I am done। इतने भाई मतलब इतनी महंगी महंगी रेसिपीज बनाने के बाद भी, मतलब एनचांटेड वाले इतना महंगा बनाने के बाद भी भाई, जब तुम अपग्रेड ही ना कर पाओ अपने मंगलूस को, तो समझ जाओ भाई हाईपिक्सल कितना खतरनाक है। मतलब ओपी ग्राइंडिंग है इसमें। ओके सो यहाँ पर ओपी ग्राइंडिंग को इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए, ओके सो लेट्स टॉक अबाउट अवर लाइक मैंने ऑफलाइन ग्राइंडिंग में क्या क्या किया। तो ऑफलाइन ग्राइंडिंग में अगर आप लोगों को बात करूँ तो मैंने बहुत सारे स्किल्स यहाँ पर अनलॉक कर लिए। यहाँ पर अनलॉक की बात करूँ तो माइनिंग जो स्किल्स है मेरा अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो मेरे को, मैं यहाँ पर था, लिटरली यहाँ पर था, उससे मैंने यहाँ पर पहुँच चुका, अब मैं यहाँ पर हूँ जिसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। सो आज का बेसिकली टास्क मेरा ये रहेगा कि मेरे को जो कलेक्शंस में जाना है एंड यहाँ पर लैपिस वसूली निकालना है। लैपिस वसूली के साथ साथ मैं जितना भी यहाँ पर अगर माइनिंग सेशन में जाऊँगा तो मेरे को ऑलमोस्ट इन सभी को अनलॉक करना है आज वाला। सो मेन जो फोकस है मेरा रेडस्टोन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि मेरे को ना मतलब थोड़े लाइक ये जो आर्मर से ये देख सकते हो, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्मर नहीं है, ये लोकल आर्मर है अगर मैं कहूँ तो मेरे को इससे ना थोड़ा ओपी आर्मर बनना पड़ेगा, तो उसके लिए कलेक्शन ये सब अनलॉक करना पड़ेगा। सो लेट्स हिट इट, माइनिंग सेक्शन चुका है ना, होपफुली कि मैं यहाँ पर मैं गया हुआ हूँ तो या मैं सीधा डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। सो यहाँ पर भाई पिजमैन क्यों है भाई ब्रो, एंड इनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई अनलॉक अ रेसिपी, आई डिड नॉट अनलॉक ब्रो, वेयर इज गॉन, एक रेडस्टोन की रेसिपी नहीं अनलॉक कर पा रहा डीएन भाई। या आई कैन नाउ अनलॉक, ओके फाइनली गाइस रेडस्टोन की रेसिपी जो है अनलॉक हो चुकी है। एंड जहां तक है मुझे जरूरत है तो यहां पर जरा मैं चेकआउट करता हूं। रेसिपी अनलॉक करने के बाद कलेक्शंस में जाना आई थिंक कलेक्शंस में जाकर माइनिंग में जाकर एंड रेडस्टोन की रेसिपी यहां पर अनलॉक कर लिया। अब जो मिनियन है वो मिनियन रेसिपी कहां से बनाऊंगा भाई, मिनियन की रेसिपी जो है यहां पर रेडस्टोन मिनियन, ओके रेडस्टोन मिनियन लेवल 1, यहाँ पर मेरे को 16 चाहिए। एंड होपफुली पता नहीं 16 कितना होता है, तो मेरे को कम से कम 2 स्टैक तो लेके जाना पड़ेगा। एंड मैं एक बार माइनर इनको मार के देखूँ क्या, क्या पता मैं मार पाऊँ, होपफुली मरू ना मैं, आई हैव अ इनफ गुड सॉल्ट, मैं मर जाऊँगा ऐसा लग रहा है ब्रो। ब्रो एनचांटेड एप्पल है ब्रो, एनचांटेड। ओके 7 कॉइन्स मेरे लॉस्ट हो चुके हैं एंड बहुत दुख लग रहा है मेरे को, इसलिए अच्छा हुआ पैसे वैसे ना छुपा के रख देता हूँ। मतलब यार इतनी टट्टी सोल्ट क्यों है मेरे पास, वाई 100% डैमेज दिखा के स्कैम करते हैं लोग। कांट, मैं एक बंदे को ले सकता हूँ, लाइक 2-3 बंदों को एक साथ नहीं ले सकता, लाइक देख सकते हो। ओके आई गॉट इट कि यहाँ पर ये सारे एंग्री हो जाते हैं। ओके यहाँ पर ये सीन लग रहा है कि यहाँ पर जितने बंदे हैं ना ये सारे के सारे एंग्री हो जाते हैं कि तुम अगर एक बंदे को भी मारते हो यहाँ पर तो बेटा तुमने कैसे मारा, हमारे दोस्तों को कैसा छोड़ा, तो ये वाला सीन कर देते हैं ये लोग। तो या आई गॉट इट नाउ एंड आई थिंक तो डीएन भाई रन ब्रो, व्हाई डिड नॉट डू यू रन डीएन, गो जस्ट रन Yep, I got it run. Okay, so यहाँ पर रेसिपी अनलॉक हो गया, मतलब मेरे को नहीं पता कि कैसे रेसिपी अनलॉक हुआ है, बट फाइनली आई हैव अनलॉक अ मिनियन रेसिपी। और मिनियन रेसिपी के लिए 32 चाहिए था, इसलिए मैं रेसिपी ना अनलॉक नहीं कर पाया था, बट फाइनली अनलॉक कर लिया, अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर एक सेकेंड भाई, तुम लोग ना साइड हो जाया करो। हाँ सो गाइस यहाँ पर अभी जस्ट देख सकते हो रेडस्टोन, तो यहाँ पर एक स्मॉल एसेसरी बैग का मेरा कुछ ही ओपन हो गया है। आई थिंक मैंने इसको चेकआउट भी किया था एंड ये है क्या, आई थिंक स्मॉल एसेसरी बैग, मुझे नहीं पता ये बैकपैक क्या है यार, स्मॉल एसेसरी बैग। ओके सो ये रहा ये वाला, ये जो स्मॉल एसेसरी बैग है यहाँ पर मेरा ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर मेरे को 3 की स्पेस मिली है। आई थिंक सो आई कैन फिट, ये क्या, यू कैन नॉट पुट दिस आइटम इन एसेसरीज, तो क्या मैं पुट कर सकता हूँ, एंडरपल ब्रो, सो वट मुझे नहीं पता मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये एसेसरी बैग क्या है भाई, ये जब दिया है तुम लोगों ने पुट करने के लिए।
इन लोगों का अलग ही वो रहता है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं इन लोगों ने क्यों दिया है मेरे को ये एसेसरी बैग में डालने के लिए। एंड यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये बंदा भाई सबको एक एक शॉट मार रहा है क्या, एंड ही हैव अ मस्त आर्मर, मेरे से तो मस्त ही आर्मर लग रहा है भाई जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ, मतलब मेरे से तो बहुत ओपी आइटम है इसके पास। ओके यहाँ पर इस बंदे से मेरे को लाइक निकला जाए, मैं इन लोगों के कचरों में नहीं पड़ना चाहता, आई नीड जस्ट रेडस्टोन एंड लेट्स गो टू स्माइल हिल, री स्माइल हिल या है स्माइल हिल में। एंड यहाँ पर ऑलरेडी भाई इतने ज़्यादा स्माइल हैं, मैं रीच तो हो चुका हूँ, दिस इज़ अ स्माइल हिल एंड बहुत बड़े बड़े स्लाइम है भाई, मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर एक भी ले पाऊँगा। ओके तो उस बंदे ने मार दिया ना इनको, आई जस्ट कलेक्ट देम ऑल, इजी चुपके से कलेक्ट कर लो भाई, कोई मतलब ही नहीं है भाई मुझे यहाँ पर। एंड न्यू डायमंड रिजर्व कुछ करके, ओ भाई बहुत ही यूज है ये ब्रो, सी दिस कितना बड़ा है ये, आई कांट मैं इस बंदे से नहीं जीत सकता, मुझे जहाँ तक पता है मैं नहीं जीत सकता यार। वो बंदा कहाँ गया यार, वो अभी आके मार रहा था एंड लिटरली वो अब नहीं है यहाँ पर है। लाइक यहाँ पर ना छुपने का रास्ता दे रखा है, लाइक अगर आप लोग बचना चाहते हो तो यहाँ पर इन लोगों ने सही बना रखा है, आई लव दैट हाईपिक्सल। कम से कम हम जैसे गरीबों को बचने के लिए कुछ दान पेटी का प्रदान तो किया है इन लोगों ने। एंड डायमंड हिल में जाना है मुझे, अगर मैं एक बार डायमंड हिल में रीच कर जाता हूँ ना तो मैं फिर वो टेलीपोर्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड ये बहुत गंदा नॉकबैक दे रहा है, लिटरली बहुत हार्ड नॉकबैक है इन लोगों का। आई कांट ओके आई जस्ट यूज माई माना होपफुली, एक भी एमरेड नहीं मिला यहाँ पर, एक भी अभी पीछे से जो आया हूँ मैं, एक भी एमरेड नहीं मिला यहाँ पर। ओके नो रीड ब्रो, डायमंड रिजर्व मैंने जस्ट यहाँ पर चेकआउट तो कर ही लिया है, बट आई थिंक आई कांट सर्वाइव हियर एंड दिस इज अ स्केलेटन। ओके आई जस्ट किल वन एंड मुझे नहीं पता बट या आई जस्ट किल वन एंड नेक्स्ट अचीवमेंट भी दे दिया इन लोगों ने मेरे को, पता नहीं कोई ऑब्जर्व बोल दिया मेरे को ढूंढने के लिए। तुम्हें लगता है कि मैं ऑब्जर्व ढूंढ पाऊंगा, इतनी मुश्किल से आया हूँ मैं यहाँ पर एंड मुझे नहीं लगता कि मैं ढूंढ पाऊंगा यानी। ओके बंदे का लेवल मेरे से ज़्यादा है और मैं आई थिंक सो इसी को जॉम्बी स्केलेटन, मतलब यहाँ पर अलग अलग चीज़ है, यहाँ पर लाइक स्केलेटन अलग है जॉम्बी अलग है। सो या अगर लाइक टीम अप करके बंदों के साथ रहोगे ना तो तुम इजी सी पीजी जीत सकते हो जिस हिसाब से मुझे लगता है। अगर यहाँ पर ओ भाई बहुत डायमंड है बट सो गाइज यहाँ पर माइनिंग बहुत ज़्यादा कर लिया एंड होपफुली मैं अपने मिनियंस बना सकता हूँ। एंड सो लेट्स गो स्काई ब्लॉक, मतलब लाइक अपने आइलैंड पर निकल लेते हैं, आइलैंड पर मेरे को आइलैंड पर जाना है। ओके सो यहाँ पर तुम्हारा भाई आ चुका है एंड यहाँ पर कह रहा है एक स्ट्रेंजर आया हमारे घर पे, ए ब्रो ए गद्दारी कर पे, कौन है मेरे आइलैंड पे हैं, कौन है ब्रो तू, हु इज दिस मैन ब्रो, स्ट्रेंजर यानी स्ट्रेंजर का नाम ऐसा क्यों दिखा रहा है मुझे नहीं पता बट ये स्ट्रेंजर कौन है भाई, हु इज दिस, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, आई हैव क्वाइट इंप्रेसिव, एक्सक्यूज माय मैनर, माय नेम इज अ सैम, आई लिव इन द नेक्स्ट डोर, शुड आई रैदन टू नेक्स्ट आइलैंड, मतलब यू डोंट सीम अ क्वाइट टैलेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप विच इज समथिंग आई कुड नॉट सेम अबाउट माई सेल्फ, मतलब बेस्ती मार रहा है तो, सो आई हैव बीन क्वाइटिंग स्ट्रगलिंग विद द माई फार्म, आई इनहेरिटेड इट फ्रॉम माई फादर, ही वॉज अ वेरी स्किलफुल फार्मर नॉट लाइक मी, आई हैव अ टू लेफ्ट थंब। ओके तो यहाँ पर ये लाइक मुझे नहीं पता, लाइक मैं क्लिक करके देखता हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है, मुझे लिटरली नहीं पता। एंड ब्रो ये कहाँ आ चुका हूँ मैं, मुझे नहीं पता भाई मैं अपने आइलैंड पे, लाइक मैं अभी जब गया एंड यहाँ पर मेरे को न्यू ऑब्जेक्टिव मिल चुका है सैम से बात करने के लिए, मेरे को तो लगा कोई स्ट्रेंजर आया है बट यहाँ पर तो ये कोई एनपीसी है। आई एम सो एक्साइटिंग यू टू हैव हियर, कैन यू कम टू एनी टाइम यू नीड हेल्प, बट फर्स्ट लेट्स क्लियर अ प्लॉट ऑफ ग्रो क्रॉप्स, यू हैव अ नीम एंड यहाँ पर भाई ब्रिंग 25 वीड्स, यहाँ पर पता नहीं मुझे नहीं पता गाइज बट यहाँ पर मेरे को कुछ अचीवमेंट कह रहे हैं लोग। एंड वीट यहाँ पर जस्ट एक क्रॉप को माइन कर लेता हूँ मैं, सिंपल इजी पीजी। ओके और चीज़ क्या है, ओके आई थिंक सो हो गया, बाकी ये कचरा मैं सेल कर दूंगा यार। तो 35 बोला था मैंने को इसने, इस बंदे ने, तो यार इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ओके यू डिड इट, अच्छा 25 ही बोला था। एंड ये क्या बाय हेल्पफुल फॉर टॉक टू स्कैम एंड बाय टॉक टू सैम कंपोस्टर, ओके तो यहाँ पर कंपोस्टर था
एंड ये रहा कंपोस्टर से बात करनी थी। अच्छा ये रहा सैम से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ सो यू सी दी मशीन हेयर, ओके ठीक है भाई। इट्स प्रोड्यूस कंपोज व्हेन यू आर पुट क्रॉप इनसाइड इन सम हाउ डेट वी इंक्रीज द अमाउंट एंड फ्लो टू हैव अ सक्सेस। ओके यहाँ पर अगर मैं लाइक इसमें ओके सो यहाँ पर नियर बाय डेस्क ओके परचेज फ्यूल फ्रॉम द स्काई कार्ट। ओके यहाँ पर डेस्क है एंड यहाँ पर स्काई कार्ट कहाँ है ब्रो? ये रहा स्काई मार्ट। एंड मेरे को क्या खरीदना था यहाँ पर? फ्यूल, फ्यूल आई थिंक सो ये फ्यूल है क्या भाई? 12,000-20,000 रुपये का फ्यूल है, आर यू किडिंग मी लिटरली ब्रो। एंड यहाँ पर भाई हेड ओवर द डेस्क यू कैन ब्राउज स्काई मार्ट ऑर्डर सम फ्यूल। लिटरली भाई मैं 20,000 रुपये इस कचरे में व्यस्त करूं, मतलब खर्चा करूं है भाई? भाई लिटरली मैं 20,000 रुपये इस कचरे में फ्यूल करूं? राइट क्लिक टू परचेज एंड एक ही खरीद के देख लेता हूं। अब पैसा कैसे निकालूंगा बैंक से ब्रो? बैंक से पैसा कैसे निकालना है मुझे? 25,000 मेरे पे हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम। 5,000 अगर डूब भी जाते कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो गया कहाँ? आई थिंक सो वो क्रॉप वाले एरिया में था, तो यप मेरे को क्रॉप वाले एरिया में जाना चाहिए। एंड या Much later. यदि पैसा जेब में रखना चाहिए। ओ सैम यहीं पर है ब्रो 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 गॉट इट। ओके तो सैम को करने से पहले आई थिंक मतलब ये सैम है, बढ़िया है ये चीज़ तो। बट सैम के पास जाने से पहले लेट मी डू डैट अपना, मतलब मैं मिनियन बना पाऊंगा या नहीं। जस्ट टेक इट सम कॉमन वुड प्लैंक्स एंड आई थिंक सो आई पुट हेयर ऑल्सो। वेयर इज वुड प्लैंक्स? आई नीड वुड प्लैंक्स। ओके आई गॉट इट हेयर। या सो उससे पहले मैं यहाँ पर जरा अपना वो बना लेता हूँ जो चीज़ हमें बनानी है। यहाँ पर स्टिक्स मैंने बन गया। ओके फाइनली गाइज हमने एक और मिनियन की रेसिपी यहाँ पर अनलॉक कर लिया। होपफुली कि मैं इसको यहीं पर फिट फाट कर पाऊँ। एंड कितने का स्पेस चाहिए होता है इन लोगों को? इतने का चाहिए ना होपफुली। यहाँ पर ये उग जाएगा लगता तो है मेरे को, उग जाना चाहिए इस बंदे को। दो का स्पेस बगल में दिया ना, मतलब दो का तो स्पेस चाहिए होता है इन लोगों को। या टॉर्च हटाई मैंने, इस बंदे को यहाँ पर फिट कर दिया मैंने एंड जस्ट होपफुली। ओके तो यहाँ पर मैंने 7 मिनियन प्लेस कर दिया। मेरा ऑलमोस्ट जो जितना भी सामान होता है या फिर बोल सकते हैं जितना भी आइटम होता है यहाँ पर, अब ये मिनियन भी हमारा आ चुका है। एक और मंगलू हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। मैं मंगलू मतलब लाइक मंगलू मैं बोलना बंद नहीं कर पाऊंगा एंड लाइक मिनियन तो मैं बोलता ही रहता हूँ, तो यार मेरे को मंगलू ही बोलना। तो या हमने एक और रेडस्टोन मंगलू यहाँ पर प्लेस कर लिया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। बाकी बात करूँ अब मैं कोई सा भी आइटम इनमें से यूज़ तो कर नहीं सकता हूँ, बट लेट मी ट्राई डैट अगर मैं बना पाऊँ तो बढ़िया रहेगा। लाइक अगर मैं क्राफ्ट करूँ, मतलब क्राफ्ट तो कर ही सकता हूँ ना, क्राफ्ट करने के कौन से पैसे लग रहे हैं? ओके सो यहाँ पर जस्ट आई क्राफ्टेड। यहाँ पर हमारा एक और मिनियन आ चुका है एंड यहाँ पर आया है भाई डैट इट्स न्यू वन क्राफ्ट 9 मोर यूनिक मिनियन। ओके तो यहाँ पर हमारा रेडस्टोन मिनियन भी यहाँ पर हो चुका है, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है रेडस्टोन मिनियन हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, नो प्रॉब्लम। बाकी जितना भी अमाउंट है इन सभी को रख देता हूँ एंड होपफुली आई थिंक मैं रेडस्टोन को मैं अपग्रेड भी कर सकूँ। रेडस्टोन मिनियन का जरा मैं चेकआउट करूँ यहाँ पर जस्ट। एंड मुझे जरा प्लीज़ बताना कि भाई यू कैन इम्प्रूव यूर मिनियन बाय एडिंग यूर, ये चीज़ जो स्लोट्स होती है ना ये कैसे अपग्रेड करते हैं मुझे ये प्लीज़ बताना। एंड यहाँ पर फ्यूल ऑटोमेटिक बंजी जंपिंग यहाँ पर एक चीज़ भी खुल गया था। सो इन सभी का मेरे को कोई आइडिया नहीं है गाइज, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है? ऑटोमेटिक का तो लाइक मैंने देख लिया था रेसिपी, मेरे को अनलॉक हो गया था रेसिपी, तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया था कि आप लोग मतलब मैं कैसे बना सकता हूँ। लाइक रेसिपीज़ में जाऊँगा मैं एंड माइनिंग में जाऊंगा, तो ये रहा ऑटो बंचर मेरे को मिल गया था यहाँ पर, ये देख सकते हो। यहाँ पर एनचांटेड मेरे को चाहिए था एंड कॉमन चेस्ट था, तब जाकर मैं बना सकता हूँ। जब भी मैं नहीं रहूँगा तो 50% सेल करके देगा, ठीक है? बट मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप अपग्रेड हो, तो उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे होता है। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरे को बताना कि कैसे लाइक इनके जो ये साइड वाले स्लॉट्स होते हैं ना ये कैसे फिलफुल कर पाते हैं। ओके तो यहाँ पर चलो सैम के पास चलते हैं, होपफुली सैम हमें कुछ मस्त मस्त आइटम दिखाएगा। एंड हाँ उसको जाने से पहले ना क्रॉप भी ले लेता हूँ, क्योंकि क्रॉप वो मेरे को ही बताएगा कि क्रॉप क्या करते हैं। एंड यहाँ पर ये भी चीज़ है ना, इसको भी ले चलता हूँ, ये फुल हो चुका है। सो यार इस स्टोरेज को भी क्लेम कर लेते हैं। सो नाइस। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ये दिखा रहा है ना कि यू क्राफ्टेड, तो यहाँ पर मेरे को नया मिनियन बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर मैं इनमें से भी किसी को भी अपग्रेड करता हूँ तो वो यूनिक ही मिनियन में काउंट हो रहा है, तो ये भी चीज़ मेरे लिए बहुत बढ़िया वाली बात है। ओके सो यहाँ पर बात करें ये सैम से, तो सैम मेरे को नहीं पता था कि सैम हमारे घर के जस्ट बगल में रहता है। सो लेट्स गो टू द मतलब सैम के आइलैंड पे चलते हैं हम। ओके तो सैम का जो आइलैंड है ना वो अलग ही आइलैंड है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ द गार्डन लिखा हुआ आ रहा है इसके आइलैंड पे, ये भी चलो बढ़िया वाली बात है। तो परचेज फ्यूल कह रहा है मेरे को यहाँ पर, मेरे को अगेन बैंक में ना जाना पड़े।
सो यहाँ पर स्काई मार्ट पे जाना है, बैंक पे जाना है एंड परचेज कर लिया मैंने यहाँ पर होपफुली। एंड यहाँ पर नू पुट द कंपोस्टर, ओके। सो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर फ्यूल पेस प्लेस करना है, कैसे प्लेस करता है मैं एंड अवेलेबल यहाँ पर पता नहीं कैसे प्लेस करूँ मैं। ओके मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया अब। एंड यहाँ पर टेक कंपोस्ट फ्रॉम द टेक कंपोस्ट फ्रॉम कंपोस्टर, ओके कंपोस्ट फ्यूल एंड ये रहा। ओके यहाँ पर कलेक्ट कंपोस्ट आया मेरे को एक एंड मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है भाई। टॉक टू द सैम, ये सब हो गया। अब भाई पुट अ गार्डन प्लॉट एट द डेस्क, क्या चीज मैंने परचेज कर लिया क्या? एन अमेजिंग वी गेट अ न्यू प्लॉट अनलॉक, भाई ये क्या है? नाउ द डर्टी पार्ट ऑफ द प्लॉट हैज बीन क्लीन अप, इट कैन बी यूज, हेड ओवर यूर अनलॉक प्लॉट ट्राई टू क्लीन। एंड यहाँ पर मेरे को पता नहीं क्या दे रहा है ये भाई। गो टू द गार्डन प्लॉट, अब गार्डन प्लॉट कहाँ है यार? अभी मैंने एक प्लॉट खरीद लिया लेकिन अब ये कह रहा है कि गो टू द गार्डन प्लॉट। ब्रो आर यू किडिंग मी सैम? ओके प्लॉट वन, ओके ये क्या, यू कैन डिसेबल प्लॉट होनोग्राम इन यूर गार्डन सेटिंग। रुको, कह रहे यहाँ पर ग्रेट यू फाउंड इट, आई बिलीव इन यू, गो एंड मेक इट स्पार्की क्लीन, ठीक है क्लीन योर गार्डन। ब्रो इतना बड़ा आइलैंड मेरे को क्लियर करना पड़ेगा? आर यू किडिंग मी? An hour later. इस पे ये आ रहा है कि तुम कुछ जंप मार के, मतलब मैं ऊपर तो वैसे माइंड नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर अनलॉक कर दिया क्या मैंने? आई थिंक सो, क्लीन योर गार्डन प्लॉट, आई थिंक सो मैंने कलेक्ट कर दिया भाई फाइनली। एंड ये क्या, वाओ इट्स स्नीकी क्लीन एंड ओवर देयर यू सोल वेल एंड यू नाउ ग्रो क्रीप्स। वेट, ओके तो यहाँ पर लिखा है न्यू ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द, क्या है भाई, मतलब क्या चाहिए भाई उस गरीब को? ब्रो मैं इतना थक गया हूँ भाई, इतना सारा मैंने अर्न करा यहाँ पर एंड भाई ये मेरे को क्या बोल रहा है भाई, कसम से मैं गुद्दी गुद्दी चटकाने वाला। कहाँ ये सैम? हाँ पकौड़े, आप क्या चाहिए तुझे? नहीं क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए भाई मुझ जैसे गरीब से, क्या चाहिए भाई तुझे? तूने क्या कान में क्या पहन रखा है बे? हैं फ्लावर नूल? ओके सो यहाँ पर कह रहा है आई हैव सम आइडिया, वाई डोंट यू कलेक्ट मी सम वीट एंड आई विल बेक अस सम लवली ब्रेड फॉर डिनर। ओके दैट इज ग्रेट आइडिया, ओके नो प्रॉब्लम, कर लूँगा मैं ये चीज़ तो। सो मे बेक अस सम ब्रेड, आई थिंक वी नीड टू 100 वीट, बस बस ले। वाओ दैट इज क्विक, दैट स्रैम फ्रेश ब्रेड, नॉम नॉम। ओके तो यहाँ पर इस बंदे ने मेरे को लाइक ब्रेड दे दिए हैं, नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर क्या चीज़ है? वो हैव एन आइडिया, वी कुड ओपन अ स्मॉल स्टैंड एंड सेल अवर वीट टू अदर पीपल। हैं ब्रो रियली? ओके दैट इज कूल, वी नीड टू सेट अप अ स्टैंड समवेयर। ओके तो यहाँ पर ये पता नहीं कहाँ चला गया सैम, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं तो सैम गायब हो चुका। फाइंड सैम एट द शॉप स्टैंड, शॉप स्टैंड, शॉप स्टैंड। ओके तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बता भी रहा है कि मतलब सैम कहाँ मिलेगा, लाइक देख रहे हो यहाँ पर ये जो एरो है, एरो मेरे को बता रहा है कि वो कहाँ पर मिलेगा। ओके राइट कह रहा है, सैम आर यू हेयर? हेलो सैम, पता नहीं ये एरो कहाँ भेज रहा है भाई मेरे को। ओके ओके यहाँ पर है भाई ये सैम, अरे भाई। ओके सो आई थिंक दिस प्लॉट वुड बी ग्रेट परफेक्टली सर्व योर फर्स्ट कस्टमर। ओके तो यहाँ पर जेरी आ चुका है एंड ओ वी हैव ऑलरेडी फर्स्ट कमर, हाउ द एक्साइटेड वंडर, आई वांट टू चेक आउट। ओके तो यहाँ पर क्या चाहिए जेरी को हमारे? एंड हेलो डिफरेंट, आई एम ग्लैड टू आई हेयर। ओके तो जेरी यहाँ पर क्या कह रहा है भाई? फार्मिंग एक्सपी, गार्डन एक्सपी प्लस 5 कॉपर एंड यहाँ पर लेजेंडरी एंड यहाँ पर टाइम विजिट। ओके तो यहाँ पर क्या है, मेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इधर एंड मुझे नहीं पता यहाँ पर। दिस इज़ नॉट माई रियलम, आई मस्ट रिटर्न, थैंक यू एंड वी डिड इट, वी सर्व अवर फर्स्ट कस्टमर, कीप चेकिंग बैक ऑन देन, आई एम श्योर मोर पीपल विजिट अवर बिज साइड, यू कैन ऑलवेज चेक। ओके तो यहाँ पर इसने हमारी एक शॉप खोल दी है जिसमें पर्स आ गया और कॉपर यहाँ पर अलग से आ चुका है। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चीज़ है बट नो प्रॉब्लम, यहाँ पर लिखा है
पूरा ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड थैंक्स टू सैम। भाई कहाँ चला गया सैम, कोई बात नहीं, सैम तो चला गया है एंड मुझे भी यहाँ पर निकलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली हमें एक एरिया मिल चुका है, सैम ने हमें एक एरिया दे दिया था गार्डन। एंड भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, क्योंकि यार देखो हाईपिक्सल मज़ा तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं कन्फ्यूज इस चीज़ से हूँ कि ये इस आइलैंड पर ये गार्डन नाम रख रखा है, तो यहाँ पर क्या मैं खेती बाड़ी कर सकता हूँ या नहीं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताना, या फिर मैं अपना मिनियन यहाँ पर छोड़कर उससे वीट अर्न कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान है, हमें अपने आइलैंड को थोड़ा सा बड़ा करना, या फिर बोल सकते हैं एक्सपेंड करना, एंड साथ साथ जो हमारी स्किल्स है इसको भी लेवल अप करते जाना है, जिससे हमें और भी अचीवमेंट मिले और हमारे जो स्किल्स के कॉम्बैट है इन सभी को भाई लेवल अप करूं, और जो जो मेरे अभी भी अनलॉक्ड है उन सबको मैं मतलब लॉक है उनको अनलॉक्ड करूं, ठीक है। सो ये सारी चीजें मेरे को करनी है, और साथ साथ अगर एक और चीज बताऊं तो घर एक सुंदर सा बनाना और मिनियंस के लिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाना है, जिससे भाई हमारा आइलैंड सुंदर लगे ना, ठीक है। सो यार, तो ये सब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज वाली वीडियो में नहीं करेंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, लाइक एम हम 100 लाइक्स का एम रखते हैं अगेन, एंड चैनल पर जो नहीं हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों को, तो बाय बाय।